नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप 10 न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। कश्मीरी पंडित कर्मचारी की हत्या में शामिल दो पाकिस्तानी आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 24 घंटों में किया खात्मा। दिल्ली के मुंडका में हुए अग्निकांड में मृतकों के परिजनों को पीएम एनआरएफ ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा, घायलों को 50,000 दिए गए। जम्मू कश्मीर में हवाला मामले में गिरफ्तार बाबू सिंह के घर समेत 12 ठिकानों पर एसआईए के छापे। अमरनाथ यात्रा 2022 में जमीन से लेकर आसमान से भी हमले रोकने की चौकस रहेगा सुरक्षा तंत्र। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर जनजातीय छात्रों के लिए 20 नए छात्रावास की स्थापना, मॉडल आवासीय विद्यालयों और विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरिबियाई देशों की 7 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना, भारत के किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष का ये पहला दौरा। बीते 24 घंटों में सामने आए 2,858 नए कोविड केस, देश भर में 11 लोगों की मौत। जम्मू में रहकर फर्जी आरसी बनाने के आरोपों से घिरा अंबाला का रहने वाला नितिन शर्मा, आतंकियों से जुड़े थे तार, अब करनाल पुलिस की गिरफ्त में। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन को चुनौती देने वाले याचिका पर मांगा जवाब। गेहूं के निर्यात पर तत्काल रोक का फैसला, लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने उठाया बड़ा कदम। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।